मेरे को रैंपो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। बनाने वाले हैं इंडियाना जोन्स का हिंदी रीमेक, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें और आने वाले टाइम पे किन किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं सलमान खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जैल। बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस नंबर्स के मामले में सबसे सफल भारतीय हीरोज़ में से एक है। उनके खाते में दबंग, टाइगर, वांटेड, किक जैसी फ्रेंचाइजी है, और अब चर्चा है कि एक और फ्रेंचाइजी उनकी लिस्ट में जुड़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्रेंचाइजी इंडियाना जोन्स की कल्ट सीरीज से प्रेरित है। बताया जा रहा है कि सलमान इसे 3 पार्ट्स में बनाएंगे। 3 पार्ट्स वाली ये सीरीज होगी जो कि इंडियाना जोन्स सीरीज से रिलेटेड होगी। ये एक अडेप्शन नहीं होगा बल्कि हैरिसन फोर्ड जैसे कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होगा। वहीं हैरिसन फोर्ड आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर है जो एडवेंचर फ्रीक है, और इसी तरह का किरदार निभाने वाले हैं सलमान खान, जो कि उनके लिए बहुत अलग होगा। और ये एक हॉलीवुड फिल्म है तो उसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा बॉलीवुड में से, और बहुत सारा एक्शन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इस बीच सलमान खान के फैंस उनकी राधे का इंतज़ार कर रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली ईद में भी हमने एक वादा किया था, और इस ईद में अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना ठीक रहा, तो हम ईद में एक और वादा करेंगे। यानी कि वो राधे की बात कर रहे थे, क्योंकि मेकर्स भी कह रहे हैं कि राधे को वो ईद पर ही रिलीज़ करेंगे, ईद 2021। और आपको बताते हैं सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स ने भी 11 मई को सिलेक्ट कर दिया है, यानी कि 2 बड़े स्टार्स की फिल्में टकरा सकती हैं। राधे और सत्यमेव जयते 2 का बॉक्स ऑफिस क्लैश इस बार आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि एक भयंकर और बड़ा क्लैश होने वाला है बॉलीवुड में एक बार फिर से। इसके अलावा आपको बता दें उनकी फिल्में हैं कभी ईद कभी दिवाली, जिसमें पूजा हेगड़े नज़र आएगी, और किक 2 की भी बातें चल रही हैं। तो सलमान खान की झोली में बहुत सारी फिल्में हैं। लास्ट टाइम वो दबंग 3 में नज़र आए थे, और अब बहुत सारी फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं। फिलहाल 14 की शूट में बिजी रहते हैं सलमान खान। इंडियाना जोन्स की शूटिंग की बात करें तो सलमान खान 2021 के एंड में ही इसका शूट शुरू कर पाएंगे, क्योंकि पहले उन्हें बहुत सारी फिल्मों का शूट निपटाना है, और 2022 तक ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी। आपको कितना इंतज़ार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, वेब सीरीज़ कलेक्शन के लिए, और बॉक्स ऑफिस की किसी भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।